हेलो दोस्तों, मैं संजय प्रताप सिंह। यूपी टेट की सीरीज का मैं फिर से दूसरा वीडियो लेके आ चुका हूँ, जिसमें मैं मैथ, हिंदी और संस्कृत के बारे में डिस्कस करूंगा और उससे आप लोग आंसर अपने चेक कर पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि ये जो कॉपी है, सी कॉपी है, इसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा क्या आंसर किसका होगा, ठीक है। और फिर आप लोग अपने हिसाब से भी चेक कर लीजिएगा कि कौन सा किससे आंसर होगा। आप आंसर देख लीजिए और सी के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर चेक कर लीजिए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, पहले मैथ के क्वेश्चंस लेके आते हैं। दोस्तों, जो ये मैं ए जो आपके लिए मैथ के क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ये ए सीरीज से है, ए सीरीज बुकलेट से लिया गया है। ये क्वेश्चन पेपर है जो आप लोग अपने हिसाब से मैच कर लेना है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर जो आपका होगा दो हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? दो इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है आपका 92 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें एक आपका एक आंसर हो जाएगा, एक, ठीक है। क्या हो जाएगा? आंसर एक हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है आपका, ये लिखा है एक भिन्न अंश वाला, जो आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को और उसके हिसाब से आप मैच कर लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 4/9 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं 94 का, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा -5, यानी कि दो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मासा वाला जो आ गया है, 1.8 ये आपका बना हुआ है, इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 12, ठीक। अब इसके आगे और देखते हैं, 96 क्वेश्चन नंबर, 96 आ जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा, इसका आंसर 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन है और उसके आगे देखते हैं, यहाँ पे लिख के आता है 97, इसका क्वेश्चन जैसे पूछा गया, जो क्वेश्चन लिखा है अपना हिसाब से आप देख भी लीजिएगा, ठीक है। अपने हिसाब से मैच कर लीजिएगा क्या क्या क्वेश्चन आपका कैसा हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ABC। इसमें आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है आपका? 4 हो जाएगा, यानी इसमें सम अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आता है कि जब एक बहुभुज के अंतःभाग कोणों का योग 60 है, तो उसमें बहुभुज इस तरीके से जो क्वेश्चन दिया गया, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 6, इसका आंसर आपका 6 हो जाएगा। एक सरल रेखा स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, तो इसमें कितनी होती है आपकी? अब जो एक सरल रेखा होती है, तो इसमें आपका हो जाएगा असंख्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? असंख्य। एक त्रिभुजाकार में कितने मतलब शीर्ष होते हैं, ये पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा 6, ठीक है, 6 शीर्ष होते हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है 102, क्वेश्चन नंबर 102, जो ये दिया गया, केले जैसे खरीदे जाते हैं, तो इससे क्या संबंधित आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10%, क्या हो जाएगा? 10%। इससे जो क्वेश्चन दिया गया, एक किलो एक ग्राम को कितने किलोग्राम में मतलब जब बदलोगे तो क्या बदलेगा, क्या आंसर आएगा? तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ए और बी, इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, ये लिखा हुआ है 0.01 की पावर 2, इसका आंसर क्या होगा? इसमें देखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, ठीक है, ऑप्शन 4 AD इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर AD सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि दो संख्याओं का अंतर 1 तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो, तो उनके व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है 105 क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/36, इसका आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आयत से संबंधित 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई पर क्या फर्क पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, 37.5 हो जाएगा आंसर। यहाँ पे लिखा, एक घन का आयतन संगणनात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई योग बराबर, जो ये दिया गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर उसका हो जाएगा 72.0, इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है 2018 में अमित का वेतन जो था 108 क्वेश्चन नंबर का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 लाख रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, इसका आ जाता है दो संख्याओं का महत्तम ये है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 109 का, आपका हो जाएगा 54 आंसर। अब आता किसी महीने शुक्रवार था, तो इस तरीके जो क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर हो जाएगा 27 आंसर, ठीक है। अब जो दिया गया, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसमें पूछा गया है, तो 111 का आंसर हो जाएगा बी, 8 × 15 = 17 हो जाएगा। जेड का मान ज्ञात कीजिए, इसमें बताया गया है 112 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि जो ये दिया गया, इसका आंसर क्या होगा? 113 क्वेश्चन नंबर का, तो इसका आंसर हो जाएगा 81/40 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखा पास एक्स का मान क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं किसी बंटन के हिसाब से जो ये क्वेश्चन दिया गया, पढ़ के देख लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आयत चित्र द्वारा पता किया जा सकता है। किससे पता किया जाता है? आयत चित्र द्वारा, ठीक है। 116 के लिए देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 24.4 हो जाएगा, ठीक है, 24.4। क्वेश्चन पढ़ते जाइए, अपने हिसाब से भी आप मैच कर लीजिए। 117 का क्या होगा? 3 हो जाएगा, यानी कि 1 आंसर। और लाइक कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपके और भी वीडियो लेके आऊँगा, जो सेकंड से अपने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके सबके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो इसका आंसर जो होगा बी, 5/8 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 5/8। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है 120 क्वेश्चन नंबर आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि फर्स्ट और थर्ड इसका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करिए। जो हिंदी का वीडियो वो मैं लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा उसका, और संस्कृत का वीडियो जो बचा हुआ है वो और जल्दी से आपको मिल जाएगा, ठीक है, शाम तक मिल जाएगा वीडियो। थैंक यू।